हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप से आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का और परिंदों का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो गाइज, मौसम कुछ दिनों से बहुत अच्छा बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हवा भी इतनी तेज चल रही है कि रूम में फैन की भी कोई नीड ही नहीं है। मतलब विंडो खोल दो और ठंडी ठंडी हवा खाते रहो। और सच बताऊँ ना तो मैंने तो कल रात से फैन यूज किया भी नहीं है और गाइज सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके साथ हल्की हल्की जो बारिश हो रही है ना, वो तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। और इस प्यारे से सुहाने से मौसम की वजह से मेरे परिंदे तो बहुत ज्यादा खुश है। गाइज, आप लोगों के परिंदों का क्या हाल है और आप लोगों के यहाँ पर मौसम कैसा है, वो मुझे कमेंट्स करके बताना, ठीक है। तो गाइज, दरअसल कल जो हमने एक मद्रासी बच्चा पकड़ा था ना शाम में अपनी छत से, तो गाइज अभी ना वो जो बच्चा है हमारी छत पर काफी अच्छे से रह रहा है। और अभी मैं आप लोगों को विजिट भी कराऊंगी कैसा है कैसा नहीं है। तो फैमिली, उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और इतना ज्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जब भी मैं कोई नया कबूतर पकड़ती हूँ ना, आप लोग ऐसे ही मेरी हमेशा से तारीफ करते हैं कि कबूतर बहुत अच्छा है और अच्छा कि आपने कबूतर पकड़ा है। क्योंकि आप लोग हमेशा से वैसे भी मुझसे पूछते रहते हैं कि आपकी छत पर कबूतर आए या नहीं, कोई पकड़ा या नहीं पकड़ा। तो फैमिली, हाँ, इतने कबूतर तो मैं नहीं पकड़ पाती हूँ जितना कि आप लोग पकड़ लेते हैं अपनी छत पर, और आप लोगों के पास शायद मुझसे ज़्यादा ही कबूतर होंगे। लेकिन हाँ फैमिली, जब भी मेरी छत पर कोई नया कबूतर आता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ उसको अच्छे से कि मैं जल्दी से पकड़ूँ और उसे अपने बाकी कबूतरों के साथ रखूँ। तो गाइज, अभी मैं आप लोगों को बच्चा भी दिखाऊंगी कहाँ पर है, लेकिन उससे पहले ना हमारी पेटी के जो कबूतर हैं उनको पहले खोल लेते हैं। और फैमिली, आप लोगों को ना मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और अभी एक दो दिन की बात है, शायद मौसम ऐसा ही रहे तो ऐसा ही चलने वाला है। खोल दिया है और दाना भी मैं लेकर आ गई हूँ। तो मैं ना क्या सोच रही हूँ, पहले इन वाले कबूतरों को फीड करा दूँ गाइस, क्योंकि ना जो पेटी के अंदर कबूतर जितने भी मेरे रहते हैं वो पेयर में ही हैं सभी, तो उनके बच्चे भी हैं अंदर। तो गाइस वो ना टाइम से अपने बच्चों को यहाँ से पहले फीड लेके और बच्चों को भी फीड करा देंगे। क्योंकि अगर मैं सभी कबूतरों को एक साथ खोल देती हूँ तो गाइस एकदम से फीड पर आकर टूट के पड़ते हैं और इन बेचारों को खाने भी नहीं देते हैं। तो पहले ही अपना अच्छे से पेट भर लेंगे, अपने बच्चों को खिला देंगे, उसके बाद हम जाल के कबूतरों को खोलेंगे। आजकल पता है क्या देख रही हूँ, हमारे जो लकी कबूतर है ना, वो पेटी से निकलकर सीधा वहाँ गमलों पर जाकर बैठ जाते हैं। और बहुत बार तो पता है मुझे डर भी रहता है कि ये नीचे ना गिर जाएं, क्योंकि गाइज उस दिन ग्रिल पर बैठ गए थे अचानक से, क्योंकि बहुत तेज हवा चलती है और कभी कभी मंकी भी आ जाते हैं एकदम से, तो मुझे डर लगता है कि ये नीचे ना गिर जाएं। और गाइज पता नहीं अभी कितने टाइम से हमारे मिनी और बॉब ना अपनी फैमिली को बड़ा करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन पता नहीं बेचारों को किसी की नजर लग गई है। जो अभी तक बेचारों की फैमिली नहीं बड़ी हो रही है, कब से इंडिया मेरी मिनी सुमी भी रह चुके हैं और ये यहाँ पर भी आ गए हैं, गाइज छत पे भी शिफ्ट किए, उन्हें काफी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक मतलब जितनी बार भी अंडे रखे हर बार अंडे खराब निकल रहे हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है गाइज, या तो फिर मुझे पेयर ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वैसे ना हमारा बॉब बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वैभव नाम है उनका, वो तो हमेशा से ही बॉब के लिए इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं। सभी कबूतरों में ना किंग बताते हैं बॉब को और हमेशा यही बोलते हैं कि बॉब तो बहुत ही अच्छा है, बॉब के जैसा और कोई पिजन ही नहीं है, उन्हें बॉब सच में बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस इन वाले कबूतरों को अभी तो मैंने दाना डाल दिया है और अब बारी है हमारे जाल के कबूतरों को खोलने की, उन्हें भी खोल देती हूँ। क्योंकि देखिए इन्हें फीड खाते हुए देखकर ना
इतने ज्यादा बेचैन हो रहे हैं कि कोई बिल्कुल गेट पर आकर चिपक गया है, किसी को जल्दी लग रही है निकलने की, तो उन्हें भी बाहर निकाल लेती हूँ, वो भी फीड ले लेंगे। और बाकी आप लोगों को उस बच्चे से भी रूबरू कराती हूँ कल जो हमने मद्रासी बच्चा पकड़ा था, अभी वो कैसा है, क्योंकि कल तो बहुत ज्यादा बारिश में भीगा हुआ था, एकदम से ऐसे गीला गीला हो रखा था, लेकिन अभी कल से मतलब एक पूरी रात उसको हो चुकी है और कहीं तो ये अभी पूरा दिन भी हो ही चुका है उसको। तो अभी मैं उसको बाहर निकाल कर देख लेती हूँ वो कैसा है और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों जाल के कबूतरों को भी मैंने खोल दिया है और सभी के सभी बाहर आ गए हैं। और गाइस कल जो हमने बच्चा पकड़ा था ना, अभी देखिए सबसे पहले वो वहाँ जाकर बैठ गया था बाल्टी के ऊपर और वहाँ से देखिए आकर अब सीधा यहाँ आ गया है बाकी कबूतरों के साथ में। तो अभी जब मैं दाना डालूंगी ना तो सभी के साथ दाना भी खाएगा। गाइस इसको ना अभी बिल्कुल नया नया लग रहा होगा क्योंकि पहले पता नहीं कहाँ पे रहता था और अचानक हमारी छत पे कल आ गया। तो अभी बाकी कबूतरों के साथ इसको थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मतलब हाँ ये तो देख रहा होगा ना क्योंकि पहले कितने दिनों से किसके साथ साथ रहता था और अब इन सबके साथ रह रहा है, थोड़ा सा तो अजीब लग रहा होगा इसे। और गाइस हमारी मजीद को तो देखिए कितना जल्दी घुल मिल गया है बाकी कबूतरों के साथ, ऐसे रहता है जैसे इन्हीं के साथ पहले से ही रह रहा था हमारी छत पे, बिल्कुल लग नहीं रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने इसको पकड़ा है। जब ये सब एक साथ दाना खाते हैं ना तो इनको दाना खाते हुए देख के और जब मैं इनको दाना खिलाती हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है मुझे। और जब इन सब की मैं ऐसे केयर करती हूँ और इनको एक साथ अच्छे से देखती हूँ रखती हूँ तो गाइस बहुत ही अच्छा लगता है, मन को एकदम सुकून सा मिलता है। और पता है मेरा तो ऐसा मन करता है कि मैं पूरा पूरा टाइम छत पर ही रहूँ इनके साथ, या तो मैं छत पर रहूँ और या तो फिर मैं मिनी जू में रहूँ। मेरा मन भी नहीं करता कि नीचे जाकर मैं अपने भी कोई पर्सनल काम करूँ या कहीं बाहर भी जाऊँ इनको छोड़कर, क्योंकि एक सुकून सा मिलता है गाइस इनके साथ रहकर, इनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और जब ये सब एक साथ आते हैं ना गाइस, जब इनको दाना खिलाते हैं फिर पास इकट्ठा होकर दाना खाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना अपने बच्चों की केयर करते हैं, बिल्कुल मुझे भी इनको ऐसे दाना खिला के इनकी केयर करके बिल्कुल ऐसा ही फील होता है। तो गाइस ये सब ना आप खुद से पूछिए, जो लोग परिंदों का शौक करते हैं, जो लोग परिंदों को पालते हैं और उनसे भी ज़्यादा शायद केयर करते होंगे, क्योंकि जब भी मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से पूछती हूँ जो भी बोलता है कि हमारे पास कितने कबूतर हैं इतने कबूतर हैं, तो मैं यही बोलती हूँ कि कितने कबूतर होंगे, और जब वो बताते हैं कि हमारे पास 100+ हैं 200+ हैं इतने कबूतर हैं, वाइज मैं तो हैरान ही हो जाती हूँ कि मतलब इतने सारे कबूतरों की केयर एक साथ करना और भी ज़्यादा टफ होता होगा, क्योंकि मुझे तो यही परेशान करके रख देते हैं, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा हद करके रख देते हैं, ये ऐसे करते हैं। और गाइस जब पता है कोई भी मतलब थोड़ा भी शोर हो ना मेरी छत पे या कोई बंदर वगैरह जाए तब तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। और जैसे कि अभी तक ये बाउंड्री नहीं थी ना यहाँ पर, और जब कोई भी कबूतर इससे अलग जाके बैठ जाता था यानी कि हमारी छत के कॉर्नर वगैरह पे, तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि एकदम से ऐसा लगता है पता नहीं कोई नीचे ना गिर जाए, किसी को कोई चोट ना आ जाए, क्योंकि पहले गाइस बहुत सारा नुकसान हो चुका है, मेरे कई कबूतर नीचे गिर चुके हैं और कुत्तों ने उनको मार दिया है, बंदरों ने बहुत बार नुकसान किया है, तो इसलिए अभी मैं और भी ज़्यादा केयर करती हूँ, उनकी बहुत ध्यान रखती हूँ। तो खैर गाइस हमारा जो ये मद्रासी बच्चा है, अभी मुझे पता भी चल गया है कि ये मद्रासी है क्योंकि ना आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बता दिया था, इससे पहले मुझे नहीं पता था ये कौन सा कबूतर है, और आपने मुझे मजीद के बारे में भी बताया था कि वो कौन सा कबूतर है। तो अभी तक ये दो कबूतर हमारी छत पे हो चुके हैं, मजीद हुआ और ये नया मद्रासी बच्चा हुआ। और गाइस अभी ना एक बात का और सुकून है ये कि चलिए दो कबूतर तो हमारी छत पर नए जुड़े, क्योंकि चांदनी जब से चली गई थी ना कोई भी कबूतर नहीं नया आ रहा था छत पर, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं अब आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो अब ये दो कबूतर हमारी छत पर और हो गए हैं, यानी कि हमारे इन सभी ये जो जितनी भी पूरी कबूतर की फैमिली है ना इसमें दो नए सदस्य और जुड़ गए हैं।
तो अभी बस ऐसे ही अच्छे से रहते रहें। और आप लोगों ने भी काफी सारा प्यार दिया, हमारी पहले वाली जो मस्जिद की वीडियो डाली थी मैंने जब उसको पकड़ा था उस वीडियो पर भी, और साथ में जो मद्रासी बच्चा पकड़ा है इस पर भी। तो गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, प्यार बनाए रखिए। ब्लॉगर कोकी फैट चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो जरूर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर दिया करो फैमिली, और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और गाइज मुझे ना आप लोगों से एक और बात कहनी थी, मुझे ध्यान में नहीं आ रही है अभी, तो मैं सोच रही थी लेकिन अभी मुझे पता नहीं मेरे माइंड से निकल गई है। और तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो को यहीं पर ओवर करती हूँ, और कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज का और परिंदों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।